हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, ट्रबल शूटिंग टिप्स के इस वीडियो में मैं आपको एक और ट्रबल शूटिंग टिप्स बताने वाला हूँ कि फंक्शंस इज नॉट विजिबल इन फंक्शन ऐप आफ्टर कोड डिप्लॉयमेंट। इसका मतलब यह है कि जब मैं कोड डिप्लॉयमेंट करता हूँ फंक्शन ऐप में, तो क्या होता है कि उसमें फंक्शंस नहीं ऐड होते हैं। फंक्शंस यानी कि ऑब्वियसली जो कोड है ना, उसमें जो डेवलपर टीम ने जो कोड बिल्ड किया हुआ था, उसमें क्या डिफाइन किया हुआ था कि जब कोड जाए फंक्शन ऐप में, होस्ट हो, डिप्लॉय हो, तो उसके साथ साथ फंक्शंस भी ऐड होने चाहिए। ओके, ये जो है फंक्शन ऐप के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फंक्शन ऐप क्या है और फंक्शंस क्या होते हैं। तो इसमें मेरे को एक इशू आया था प्रोडक्शन, जब मैं डिप्लॉयमेंट कर रहा था लास्ट वीकेंड के दिन, तो मुझे एक इशू आया था। मैं आपको एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये मेरा क्या है, Azure DevOps। अभी हम लोग कर क्या रहे थे वीकेंड के दिन, मैं और मेरा फ्रेंड, हम लोग जो है DevOps के थ्रू एक फंक्शन ऐप था। इस फंक्शन ऐप में हम लोग, ये डेवलपर टीम ने अपने को कुछ पैकेज दिया हुआ था। पैकेज यानी कि आपका कोड हो गया है। अब इस कोड में उन लोगों ने बहुत सारे फंक्शंस लिखे हुए थे कि भाई जब ये कोड डिप्लॉय होगा Azure DevOps से Azure फंक्शन ऐप में, तो ये जो तीन फंक्शन है ना, ये तीन फंक्शन यहाँ पर एग्जिस्टिंग फंक्शन जो है उनको ना छेड़छाड़ ना करते हुए, ये तीन फंक्शंस एडिशन यहाँ पर ऐड हो जाए इस तरह से। ओके, ये तीन फंक्शंस यहाँ पर ऐड हो जाने चाहिए। अब ये फंक्शंस दिखते कहाँ हैं, ये मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये जस्ट मैंने आप लोगों के लिए एक अभी जस्ट एक फंक्शन ऐप बनाया, इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो ये फंक्शन ऐप है, इसमें अगर आप यहाँ फंक्शंस में जाएंगे ना, तो यहाँ पर फंक्शंस बन जाते थे। ओके, अभी हमारे इन्वायरमेंट में हम लोग जो कुछ भी डिप्लॉयमेंट करते हैं वो DevOps के थ्रू ही करते हैं, चाहे इंफ्रा क्रिएट करना हो या फिर कोड डिप्लॉय करना हो, मैनुअली कुछ नहीं करते हैं, सब कुछ ऑटोमेशन के थ्रू होता है, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। और पिछले 3 महीने से जो है मुझे DevOps में काम करने को मिला है और मैं काफ़ी कुछ सीखा भी हूँ DevOps में, तो इसीलिए आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि क्या हुआ था। तो हम लोगों के पास इशू क्या आया था कि हम लोगों ने कोड डिप्लॉय किया DevOps से Azure फंक्शन ऐप में, और ओके किधर गया है, हाँ, तो DevOps से हम लोगों ने Azure फंक्शन ऐप में कोड डिप्लॉय किया। कोड तो डिप्लॉय हो गया फंक्शन ऐप में, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, ये जो तीन फंक्शंस थे ना, ये तीन फंक्शंस यहाँ पर ऐड नहीं हुए। ऐड नहीं हुए मतलब मुझे यहाँ पर जब मैं पोर्टल में फंक्शंस चेक करने गया, तो मुझे यहाँ पर जो है फंक्शंस नहीं दिखे। ओके, तो अभी क्या हुआ, क्योंकि अपने पास सिर्फ वीकेंड का एक ही दिन था, संडे के दिन। मंडे के दिन आपको पता है कि बिजनेस स्टार्ट हो जाता है और हम लोग वेट नहीं कर सकते थे। हम लोगों ने जितना अपनी साइड से ट्रबल शूट करने की कोशिश करी किया, लेकिन हम लोगों से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो अभी इसके लिए हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ 7 टिकट रेज किया, क्योंकि ये प्रोडक्शन का इशू था। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट के बंदे ने अपने को सॉल्यूशन क्या दिया कि आपके फंक्शन ऐप में, अभी ये मैं आप लोगों के ध्यान के लिए बता रहा हूँ कि जब भी आप फंक्शन ऐप बनाते हो ना, तो फंक्शन ऐप के लिए आपको जो है स्टोरेज अकाउंट का रिक्वायरमेंट रहता है। यानी कि जब भी आप फंक्शन ऐप बनाओगे, साथ ही साथ आपको स्टोरेज अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। अब स्टोरेज अकाउंट क्यों बनाना पड़ता है इसके लिए, क्योंकि जो भी कोड होता है ना, वो स्टोरेज अकाउंट में जाता है। जो भी फंक्शंस आप डिप्लॉय करोगे या क्रिएट करोगे यहाँ से मैनुअली, वो आपके स्टोरेज अकाउंट में जाता है फाइल शेयर के अंदर, और वहाँ से पिक करके यहाँ पर आपको फंक्शंस ऐड होता है या फिर विजिबल होने लगते हैं। लेकिन हमारे केस में क्या हो रहा था कि फंक्शन तो एग्जिस्टिंग फंक्शन ऐप था, एग्जिस्टिंग फंक्शन ऐप में हम लोग ये कोड डिप्लॉय कर रहे थे। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि आई डोंट नो क्या हुआ, लेकिन उसकी कॉन्फ़िगरेशंस में जब हम गए, जब माइक्रोसॉफ्ट ने अपने को हेल्प किया, तो कॉन्फ़िगरेशंस में देखा उसकी 3 सेटिंग मिसिंग थी। तो माइक्रोसॉफ्ट ने बोला अपने को 3 सेटिंग आपको ऐड करनी पड़ेगी कॉन्फ़िगरेशंस में, तब जाके आपका फंक्शंस जो है वो दिखने लगेंगे, वहाँ पर ऐड होंगे। तो वो 3 सेटिंग कौन सी है, एक तो है Azure वेब जॉब स्टोरेज, दूसरा है वेबसाइट कंटेंट Azure फाइल कनेक्शन स्ट्रिंग, और तीसरी सेटिंग है वेबसाइट कंटेंट शेयर। ओके, तो अभी जैसे मैंने नया फंक्शन ऐप बनाया आप लोगों को दिखाने के लिए, तो यहाँ पर ना बाय डिफ़ॉल्ट ये 3 सेटिंग्स बन जाती है। देखो, Azure वेब स्टोरेज, जहाँ पर आपको स्टोरेज अकाउंट का जो एक्सेस की रहता है प्राइमरी कनेक्शन स्ट्रिंग, वो डालना पड़ता है। वेबसाइट कंटेंट फाइल कनेक्शन स्ट्रिंग, यहाँ पर भी आपको स्टोरेज अकाउंट की सेम एक्सेस की डिफाइन करनी पड़ती है जो आपने वेब जॉब स्टोरेज में डाला होता है। और वेबसाइट कंटेंट शेयर में ये आपका शेयर नेम हो गया। तो मैं आपको ये डुप्लीकेट करके दिखा देता हूँ एक बार। तो अगर मैं स्टोरेज अकाउंट में जाऊं, और स्टोरेज अकाउंट में जैसे कि मैंने बोला फाइल सर्विसेज के अंदर आपका एक फोल्डर बन जाता है, फाइल शेयर बन जाता है। तो ये देखो, ये मेरा जब फंक्शन ऐप फर्स्ट टाइम डिप्लॉयमेंट होता है, तो स्टोरेज अकाउंट क्या करता है, एक फाइल शेयर बना देता है फंक्शन ऐप के नाम से, और उसके आगे कोई भी एक यूनिक नंबर डाल देता है। इसके अंदर अगर मैं जाऊँगा ना, तो इसके अंदर आपको लॉग फाइल्स डेटा ये सब साइड रहता है। तो कोड जो है मुझे यहाँ दिख रहा था कि मेरा पैकेज गया, मेरा कोड डिप्लॉयमेंट हो चुका है इसके अंदर, लेकिन जो फंक्शंस डेवलपर टीम ने यहाँ पर राइट करे हुए थे, वो फंक्शंस भी जो है मुझे यहाँ पर दिख रहे थे, लेकिन वो मेरे इस फंक्शंस के अंदर यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहे थे।
तो यहाँ पर मुझे वो फंक्शंस नहीं दिख रहे थे, तो उसका रीज़न क्या था कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपने को हेल्प किया कि भाई उसने बोला कॉन्फ़िगरेशंस में जाओ और ये चेक करो कि ये तीन सेटिंग्स है कि नहीं है। तो हमने देखा तो हमारे कॉन्फ़िगरेशंस में ना ये एज़ूर वेब स्टोरेज भी नहीं था, ये सेटिंग, ये वाली सेटिंग भी नहीं थी, वेबसाइट कंटेंट एज़ूर फाइल कनेक्शन स्ट्रिंग और वेबसाइट कनेक्ट कंटेंट शेयर। तो इसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इसका स्टोरेज अकाउंट तो ऑलरेडी बना हुआ था, तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर जाके ये फाइल सर्विसेज में जाके एक नया शेयर बना दिया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये फाइल शेयर है, फाइल शेयर में यहाँ पर हम लोगों ने प्लस फाइल शेयर करके एक फाइल शेयर बना दिया और जो फाइल शेयर का जो नाम है वो हम लोगों ने एक सेटिंग बनाई वेबसाइट कंटेंट शेयर और उसमें उसको ऐड करके यहाँ पर उसकी वैल्यू दे दी, ठीक है, फाइल शेयर का नाम दे दिया। फिर हम लोगों ने वेब एज़ूर वेब जॉब स्टोरेज नाम का एक कनेक्शन एक सेटिंग बनाई, एक नेम बनाया कनेक्शन एप्लीकेशन सेटिंग और उसमें वैल्यू दी। अब ये वैल्यू क्या है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वैल्यू आपको डालनी होती, यहाँ स्टोरेज अकाउंट में जाओगे, एक्सेस कीज़ में जाओगे, एक्सेस कीज़ में शो कीज़ पे करोगे तो ये देखो कनेक्शन स्ट्रिंग दिख रहा है आपको, प्राइमरी वाला की वन वाला, ये कॉपी करो और ये कॉपी करके आपको यहाँ वैल्यू में डालनी होती, ओके करना है। फिर दूसरी थर्ड सेटिंग जो हम लोगों ने करी वो वेबसाइट कंटेंट एज़्योर फाइल कनेक्शन स्ट्रिंग, यहाँ पर भी जो है सेम ये जो एक्सेस की है कनेक्शन स्ट्रिंग की वन ये हम लोगों ने यहाँ पर डाली, ओके करा, फंक्शन ऐप रिस्टार्ट मारा। जैसे ही हम लोगों ने रिस्टार्ट मारा तो हमारे जो है यहाँ पर फंक्शन सारे के सारे दिखने लग गए, यानी कि एप्लीकेशन टीम जो ये तीन फंक्शंस होस्ट करना चाहती थी इस एज़ूर फंक्शन ऐप के अंदर वो तीनों के तीनों फंक्शंस हमको दिखने लग गए, ओके। तो ये मेरे पास एक इशू आया जो मुझे गूगल में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, और क्योंकि जैसे कि मैंने बताया प्रोडक्शन था, अपने पास टाइम कम था, तो इसीलिए हम लोगों ने 7 टिकट रेज किया था माइक्रोसॉफ्ट के साथ और उसने फिर हमारी हेल्प करी। तो हो सकता है कि ये इशू आपके साथ भी कभी फेस हुआ हो या फिर कभी अगर फ्यूचर में आया तो आप मेरा ये वीडियो रेफर करके आप ये प्रॉब्लम अपना वो जो प्रॉब्लम है फंक्शंस का कि जो दिख नहीं रहे हैं डिप्लॉयमेंट के बाद तो वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर तो हम लोग एज़्योर डेवऑप्स से हम लोग कोड पुश करते हैं या जो कुछ भी है, मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं, हो सकता है कि किस कहीं पर आप मैनुअली कर रहे हो, कहीं पर आप किसी और टेक्नोलॉजी या टूल से आप कर सकते हो, बट मेरे इन्वायरमेंट में हम लोग डेवऑप्स का यूज़ करते हैं कोड को डिप्लॉय करने के लिए या फिर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। अब इसमें एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है, मैं आप लोगों के साथ ये जो एक माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंट है यहाँ पर भी ये सारी की सारी डिटेल दिए हुए हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन सेटिंग्स दी हुई हैं जहाँ पर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हो। अगर मैं ये URL यहाँ पर एक्सेस करूँ तो यहाँ पर ये देखो बहुत सारी मल्टीपल आपको जो है एप्लीकेशन सेटिंग्स दिखेंगे यहाँ पर, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डाल सकते हो। तो ये लिंक जो है अपने को माइक्रोसॉफ्ट के बंदे ने दिया, उसने अपने को बताया कि यहाँ पर जो तीन सेटिंग यहाँ पर मैंने आपको बताया वेब जॉब स्टोरेज कंटेंट फाइल कनेक्शन स्ट्रिंग और ये वेबसाइट कंटेंट शेयर, ये आपको यहाँ मिल जाएंगे। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर सर्च करता हूँ तो ये देखो वेबसाइट कंटेंट शेयर और इसके थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ तो वेबसाइट कंटेंट फाइल कनेक्शन स्ट्रिंग, ये भी दो मुझे दिख गई, और एक तीसरी सेटिंग है एज़्योर वेब जॉब स्टोरेज, तो ये भी अगर मैं सर्च मारता हूँ एज़्योर वेब जॉब्स स्टोरेज, ये देखो ये भी मुझे तीसरी सेटिंग में मिल गई, ओके। अभी इसमें एक चीज़ ध्यान रखना आपको कि ये जो पहली वाली सेटिंग है, ये पहली सेटिंग तो आपको चाहे अभी फंक्शन ऐप भी दो प्लेटफॉर्म में बनते हैं आपका, एक लिनक्स प्लेटफॉर्म में एक आपका विंडोज़ प्लेटफॉर्म में, तो ये तो आपका दोनों प्लेटफॉर्म में सपोर्टेड है एज़्योर वेब जॉब स्टोरेज। लेकिन ये जो दो सेटिंग है, ये दो सेटिंग आपका सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ जो प्लान रहेगा प्रीमियम प्लान रहेगा ये कंजम्पशन प्लान रहेगा उसमें ही सपोर्ट करेगा। अभी अगर मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंटेशन खोल के दिखाऊं और इसमें देखो ये एज़्योर वेब जॉब स्टोरेज में ना आपको कुछ नोट दिखा नहीं रहा है यहाँ पर, राइट, इसका मतलब ये दोनों में आपका एप्लीकेबल है लिनक्स और विंडोज़ में। लेकिन अगर मैं ये दिखाऊँ आपको वेबसाइट कंटेंट कनेक्शन स्ट्रिंग वाला, इसको मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ तो ये देखो ये क्या बोलता है, कनेक्शन स्ट्रिंग फॉर स्टोरेज अकाउंट वेयर फंक्शन ऐप कोड एंड कॉन्फ़िगरेशन आर स्टोर्ड, ये रनिंग ऑन विंडोज़ दिखा रहा है। ये क्या बोलता है यहाँ पर नीचे, ओनली यूज्ड व्हेन डिप्लॉइंग टू ए प्रीमियम प्लान और टू कंजम्पशन प्लान रनिंग ऑन विंडोज, नॉट सपोर्टेड फॉर कंजम्पशन प्लान रनिंग लिनक्स। कहने का मतलब यह है कि अगर आप लिनक्स का कंजम्पशन प्लान वाला यूज कर रहे हो एप्लीकेशन ऐप सर्विस प्लान तो इस सिनेरियो में ये सेटिंग काम नहीं करेगी। अगर आपका विंडोज में चल रहा है जिसमें आपका या तो कंजम्पशन प्लान यूज कर रहे हो या तो प्रीमियम प्लान तो ही उस केस में ये यूज होगा। सेम वे में ये जो दूसरी सेटिंग थी वेबसाइट कंटेंट शेयर, इसमें भी सेम ही है कि भाई आपका जो है विंडोज़ अगर प्लेटफॉर्म है जिसमें प्रीमियम प्लान या कंजम्पशन प्लान
चल रहा है तो उसमें ही ये चलेगा, लेकिन लिनक्स के कंजम्पशन प्लान में ये नहीं चलेगा। अब ये कंटेंट शेयर जो है डिपेंडेंट है आपके वेबसाइट कंटेंट फाइल कनेक्शन के स्ट्रिंग के ऊपर। अगर आपके पास विंडोज़ का प्लेटफॉर्म है, जैसे मेरे इन्वायरमेंट में क्या था, ये जो मेरे को इशू आया था, ये मेरा फंक्शन ऐप कंजम्पशन प्लान में चल रहा था और दूसरा इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो था ऐप सर्विस प्लान का वो विंडोज़ का था, तो इसीलिए मेरे इस इन्वायरमेंट में ये तीन सेटिंग एप्लीकेबल होती है। अगर आपके पास कोई लिनक्स का इन्वायरमेंट है तो मे बी हो सकता है उसमें और कोई सेटिंग होगी जो आप यहाँ से इस डॉक्यूमेंट से चेक कर सकते हो। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वेरीफाई कर सकते हो। ओके, तो फ्रेंड्स ये था जो इशू मेरे पास आया था, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया कि क्या इशू था और उसको सॉल्व करने का क्या सॉल्यूशन था। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।